हेलो एवरीवन, तो इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था आरएस नॉमेनक्लेचर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरएस नॉमेनक्लेचर से कुछ रिलेटेड और भी क्वेश्चन। तो पिछले वीडियो मैंने जहां ख़त्म की थी, मैं उस यहीं से उसको कंटिन्यू कर रहा हूं। तो फिर जैसे कि उसमें लास्ट में मैंने बताया था सी डबल बॉन्ड ओ और उसमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी था, तो यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है। तो मैं इसको पहले यहाँ पर डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में आता है कई बार डबल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड, तो फिर हम किसको नंबरिंग ज़्यादा किसको नंबरिंग पहले करेंगे, डबल बॉन्ड वाले को या फिर सिंगल बॉन्ड वाले को। अभी हमारे पास एग्जांपल आएगा तो हम उसको भी देखेंगे, फिलहाल हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस कार्बन से ये लगा हुआ ऑक्सीजन हमारे पास, तो इसको हम कैसे ब्रेक करके कैसे समझते हैं इसको समझिए। पहले इस सी से यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ है, तो यहाँ से पहले हम एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ये ओ हो गया हमारा, और यहाँ से ये दो बॉन्ड यहाँ पर, ये दोनों हम ऐसे ही रखेंगे। तो ये बॉन्ड जो हमने यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक किया है इसको हम कार्बन से लगाएंगे, और एक बॉन्ड हमने ऑक्सीजन वाला ब्रेक किया है इसको हम ऑक्सीजन पर लगाएंगे, और इस कार्बन से अटैच्ड इस बॉन्ड से ऑक्सीजन है, इस कार्बन से इस वाले बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो इस पर हम ऑक्सीजन एक लगाएंगे, और इस ऑक्सीजन से इस वाले बॉन्ड से एक यहाँ पर कार्बन अटैच है, तो यहाँ पर हम एक कार्बन लगाएंगे। तो यहाँ से ये होता है हमारा ये बॉन्ड ब्रेक करके, यहाँ पे इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक ओ दिख रहा था सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एक ओ दिख रहा था, तो यहाँ पर ये हमारा एक ओ इधर, एक ओ दो ओ हो, दो ओ हो गए हैं और एक सी आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमारा इसका नंबरिंग ज़्यादा होगा सी डबल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड होगा सी, जैसे कि यहाँ पर अगर हो हमारे पास सी ये वाला और ये वाला, तो इसमें हम नंबरिंग इसको पहले करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो ओ होते हैं और यहाँ पर एक सी और एक्स्ट्रा होता है। इसको हम इस तरह से ब्रेक करके समझ लिए, उसी तरह से हम इसको भी कर लेते हैं। यहाँ से एक बॉन्ड हम इसके बीच का हटाएंगे और यहाँ पर एक बॉन्ड इस तरह से रहेगा ये सी वाला, तो यहाँ से सी डबल बॉन्ड सी, और एक बॉन्ड हमने जो ब्रेक किया एक बॉन्ड हम इस पर लगाएंगे और एक बॉन्ड इस पर, और इस वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच था, तो हमने यहाँ पर सी वाला बॉन्ड नाइट्रोजन से अटैच कर दिया, और नाइट्रोजन पे जो हम बॉन्ड लगाए हैं तो ये वाला बॉन्ड कार्बन से अटैच था, तो हम यहाँ पर ये कार्बन लिख देंगे एक। फिर जब हम इसको एक स्टेप और आगे ले जाएंगे, यहाँ से अभी डबल बॉन्ड है तो इसको भी हम सिंगल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर सी एन करेंगे, तो यहाँ पर जो अभी इसके पास पहले उतना हम बना लें, चलिए एन को मैं नीचे लिख देता हूँ, छोड़िए ऊपर, तो यहाँ तक एन वो मेंटेन हो गया। तो यहाँ से एक बॉन्ड जो ब्रेक हुआ एक बॉन्ड हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ तक हो गया सही। तो एक बॉन्ड मैंने यहाँ से ब्रेक किया, एक बॉन्ड मैंने यहाँ बनाया, और एक बॉन्ड हम यहाँ पर बनाएंगे, और इस कार्बन से ये नाइट्रोजन अटैच है, तो हम एक नाइट्रोजन यहाँ पर अटैच करेंगे, और इस नाइट्रोजन से यहाँ पर एक कार्बन है तो यहाँ पर एक कार्बन हम और अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम सी ट्रिपल बॉन्ड अगर हमें ओ दिया हो तो पहले हम इसको इस तरह से खोल लेंगे पूरा, फिर उसके बाद हम इसको कार्बन देंगे, फिर नंबरिंग करने के लिए जैसे हम देखते हैं वैसे करेंगे, कार्बन पर जाएंगे फिर नाइट्रोजन पर जैसे हमें जाना होगा वहाँ पर जाएंगे। तो हम करते हैं अब हम अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये है, ये दिया गया हमें, तो इसमें हमें सबसे पहले ढूंढना है कायरल कार्बन। जो हमें कायरल कार्बन मिलेगा तो हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला कार्बन देखें अगर हम, तो इधर हाइड्रोजन, इधर फ्लोरीन और इधर CH3 यानी कि एथाइल, और इधर कुछ भी नहीं अगर लगा हो तो इसका मतलब होता है CH3। तो ये वाला कार्बन हो गया हमारा कायरल, फोर डिफरेंट ग्रुप हो गए तो हमारा कायरल। तो अब इसमें हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ पर फ्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन, और इधर इधर भी कार्बन है लेकिन ये बड़ा ग्रुप है CH2 CH3 है। हाँ, तो ये RS नॉमेनक्लेचर का पार्ट टू है, मतलब RS नॉमेनक्लेचर की ये दूसरी वीडियो है। अगर इसका कॉन्सेप्ट देखना है तो इसे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट है, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है कि कैसे नंबरिंग करना है। तो सबसे पहले नंबरिंग हम उसकी करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा हो, तो यहाँ पर फ्लोरीन का सबसे एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद इस कार्बन का, फिर उसके बाद इस कार्बन का, फिर इस कार्बन से लगा हुआ एक और कार्बन है लेकिन इससे लगा हुआ कोई और कार्बन नहीं है, तो इसको हम नंबरिंग देते हैं 2, इसको देंगे 3, इसको देंगे 4, फिर 1 2 3 हमें मूव करना होता है, 1 2 3 हम मूव कर गए, और देखना होता है कि फोर्थ पोजीशन डैश पर होनी चाहिए या फिर फला अगर हमारा फिशर प्रोजेक्शन में है तो हमारे
फोर्थ पोजीशन टॉप या बॉटम पर होनी चाहिए। तो हमारी फोर्थ पोजीशन यह डैश पर होती है, डॉटेड वाले पर होती है, तो हम इसे कहें यह होती है हमारी प्रॉपर पोजीशन। तो ये हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये हो जाएगा आर। अब इसमें देखते हैं कायरल कार्बन, ये हमारा कायरल कार्बन, इसमें नंबरिंग देना है तो इसको वन, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है, फिर इसे लगाओ इधर और भी कार्बन है तो इसको नंबरिंग देंगे टू, इसको थ्री, इसको फोर, वन टू थ्री। फोर्थ पोजीशन प्रॉपर पोजीशन, तो इसका नामकरण होगा एस, एस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब नंबर क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा कहाँ पर है कायरल कार्बन, ये वाला कायरल है, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, ये अलग ग्रुप है, ये वाला एक अलग ग्रुप है, और एक वाला ये वाला अलग ग्रुप है, और एक ये अलग ग्रुप है, और ये वाला एक अलग ग्रुप है। अब इसमें नंबर हम किसको फर्स्ट करेंगे, इधर आएंगे, एम ई का मतलब मिथाइल यानी कि सी एच थ्री, और या अब यहाँ से देखेंगे हम, इधर हाइड्रोजन है, इधर एम ई, हाइड्रोजन वाला तो हमारा फोर्थ पोजिशन पर आएगा। इधर देखेंगे अब सी, इधर जाएंगे सी, इधर आएंगे सी, उसके बाद भी सी, यहाँ पर भी सी, फिर उसके बाद आगे जाएंगे इधर सी, लेकिन यहाँ पर कोई सी नहीं है तो इसको नंबरिंग जाएगी वन, इसको जाएगी टू, और इसको जाएगी थ्री, इसको हो गई फोर, तो वन टू थ्री हमें मूव करना है इस तरह से, वन टू थ्री हम गए एंटी क्लॉक वाइज, तो और फोर्थ पोजिशन प्रॉपर पोजिशन, तो इसका नामकरण होगा एस। अब चौथा क्वेश्चन क्या कहता हमारा, इसमें कायरल कार्बन ढूंढना है, ये वाला यहाँ तक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक है, तो इसमें कायरल कार्बन हमारा एक यहाँ पे दिख रहा है, ये मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कायरल कार्बन को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर आएंगे आप सी एच थ्री, इधर आएंगे सी, इधर आएंगे सी, फिर उससे लगा हुआ सी एल, तो इधर वाला ज़्यादा है, इधर कार्बन कार्बन एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे, फिर इसके बाद सी एल और सी एल और कार्बन, या फिर इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर कार्बन में जब होगी तो इधर सी एल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो इसका नंबर हम वन करेंगे, फिर इसके बाद इस कार्बन करेंगे, फिर इसका टू आएगा, फिर इसका थ्री, इसका फोर, फिर वन टू थ्री हमें मूव करना है, वन टू थ्री, फोर्थ पोजिशन प्रॉपर है तो होगा हमारा एस नॉमिनेशन। चलते हैं पाँचवें की तरफ अभी। हाँ, इसमें देखिए ये वाला, अभी तो एक कायरल कार्बन हो गया हमारा, अभी ये वाला देखें क्या कायरल है, तो एक बांड इधर पहले देखें, एक कार्बन और दो कार्बन यानी कि सी एच टू सी एच थ्री यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखें सी एच टू और यहाँ पर लिख लें सी एच थ्री, और इधर देखें एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, यहाँ पर दो कार्बन यानी कि ये अलग ग्रुप हो गया और ये पूरा एक अलग ग्रुप हो गया, और तीसरा बांड इधर आ गया सी एल से, और चौथा बांड इसका कहाँ है, चौथा बांड जब ना दिख रहा हो, ना दिखाया हो, तो इसका मतलब ये डॉटेड से पीछे की साइड हाइड्रोजन है। तो अब इसकी नंबरिंग करते हैं हम, तो इसमें इस कार्बन की ये कार्बन हमारा कायरल है ना, अब इससे नंबरिंग करेंगे तो ये वाला सी एल को जाएगी नंबरिंग वन, फिर इसके बाद इधर कार्बन, फिर इससे लगा होगा फिर कार्बन, इधर भी कार्बन, फिर इधर और कार्बन, फिर कार्बन, तो इधर वाला ज़्यादा, इस साइड ज़्यादा कार्बन है लेकिन इस साइड सिर्फ दो कार्बन है, तो इधर वाला नंबर होगा टू, ये थ्री और ये वाला फोर। अब हमें मूव करना है वन टू थ्री, वन और ये टू, ये थ्री, हमने मूव किया एंटी क्लॉक वाइज तो इसका भी हो जाएगा एस। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है हमारा, वैसे ही है, यहाँ पर एक दो तीन बांड दिख रहा है, चौथा नहीं दिख रहा है, तो चौथा पीछे की साइड आप यहाँ पर H लगा सकते हैं, तो ये कार्बन हो जाएगा हमारा कायरल, फोर डिफरेंट ग्रुप आप देख सकते हैं, तो इससे लगा हुआ नंबरिंग वन किसके जाएगी। अब नंबरिंग करना तो आप जान चुके होंगे, एक बार मैं आप डिटेल में बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं करता हूँ आराम से। चलिए ये वाला कार्बन है, फिर इससे लगा हुआ ऑक्सीजन, फिर इससे लगा हुआ कार्बन, फिर इससे लगा हुआ कार्बन, फिर इससे लगा हुआ हाइड्रोजन, तो अब इसमें नंबरिंग आप किसकी वन करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसकी एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, इसका करेंगे वन, फिर इसके बाद टू किसका करेंगे, इधर आएंगे सी एच थ्री, एक सी है और तीन एच है, और इधर आएंगे सी है, यहाँ पर सी, तो ये सी और ये सी आपस में
कैंसिल हो गया, एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, फिर इधर, फिर इस सी से हम आगे की साइड बढ़ेंगे, इस साइड आएंगे हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन, और इससे आएंगे इधर सल्फर है, और इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन अब यहाँ पर हम सी सी तो हमारा रिप्लेस हो चुका था, कैंसिल हो चुका था, अब यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ पर सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है या फिर सल्फर का या फिर ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर सल्फर का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इस वाले को हम करेंगे नंबरिंग 2, फिर इसको करेंगे 3, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में नंबरिंग ज़्यादा है कार्बन की, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे 4। अब हमें मूव करना है 1 2 3, 1 2 3 मूव किया, फोर्थ पोजीशन अगर प्रॉपर है तो, अगर क्लॉकवाइज मूव किया है तो आर ये हो गया हमारा। अब छठवां क्वेश्चन है हमारा। अब सबसे पहले कुछ भी, कितना भी बड़ा आपको ग्रुप दिख रहा हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, सबसे पहले उसमें आपको वो फाइंड करना है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन मिल जाए बस हो गया काम। देखिए ये वाला अगर कार्बन देखें आप, इधर H, इधर OH, इधर CH3, ना कुछ लगाओ तो समझ लो कि CH3, और इधर एक ये पूरा सा ग्रुप, बड़ा सा एक ग्रुप हो जाएगा। अब इसको नंबरिंग करनी है, इधर लगा हुआ ऑक्सीजन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, तो ऑक्सीजन का नंबरिंग 1, और इधर कार्बन है, फिर इस कार्बन से लगा हुआ इधर कार्बन, इधर कार्बन, फिर इसमें यह डबल बॉन्ड भी है, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है आप इसको इस तरह दिखा सकते हो, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर सी एक एक सी दिख रहा, एक ओ दिख रहा है, तो यहाँ पर दो ओ हो जाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इस सी से एक सी दिख रहा है, तो यहाँ से दो सी हो जाएंगे और भी बड़ा ग्रुप हो जाएगा। तो यानी कि इसमें और इसमें नंबरिंग जाएगी इसकी 2, इसको जाएगी 3, इसको जाएगी 4। मूव करो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे फोर्थ पोजिशन बराबर है, क्लॉक गए तो हो जाएगा हमारा ये आर, उसी तरह से ये हो जाएगा हमारा, इसको नंबरिंग करेंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 1 2 3 1 2 3। हाँ हम मूव किया एंटी क्लॉकवाइज तो हो गया S, लेकिन फोर्थ पोजीशन क्या प्रॉपर पोजीशन है? फिशर प्रोजेक्शन में हमारा फोर्थ पोजीशन या तो टॉप पर हो या तो बॉटम पर हो, ये अभी ना तो टॉप पर है ना तो बॉटम पर है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट करके आर एस आया है, तो इसको हम नॉमिनेचर कर देते हैं कि ये आर है। अगर फोर्थ पोजीशन प्रॉपर नहीं होती है तो हमारा ऐसा आता है, तो हम कन्वर्ट करके आर लिख देते हैं। इसको मैं अभी एक बार और कन्वर्ट बता देता हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कन्वर्ट करना भी बता दिया है। इसको हम कन्वर्ट नहीं कहते हैं इसे, मतलब इसको इंटरचेंज कहते हैं, इसको हम इस साइड ले जाएं और इसको इस साइड लाएं, तो यहाँ और इसको इस साइड और इसको इस साइड, इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे, SH ऊपर और CHO इधर आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा H, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। अब नंबरिंग फिर से करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा R। आप कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब जहाँ भी मुझे मिलेगा फोर्थ पोजीशन अगर प्रॉपर नहीं होगी तो मैं डायरेक्ट ही करूँगा। चलिए अब देखते हैं आगे। अब इसमें कहाँ कायरल कार्बन है, ये वाला कार्बन देखें, इधर H, इधर OH, इधर दूसरा ग्रुप, इधर दूसरा ग्रुप, ये वाला कायरल हमारा कार्बन, ये वाला भी हमारा कायरल कार्बन, कायरल। तो इसमें नंबरिंग करेंगे इधर ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन और इधर सल्फर। तो ऑक्सीजन और सल्फर में एटॉमिक नंबर ज़्यादा है सल्फर का, इसका 16, इसका 8, इसका नंबरिंग हो जाएगी 1, इसका 2, फिर उसके बाद हाइड्रोजन और कार्बन में तो इसकी 3 हो ही जाएगी और इसका 4। अब हमें मूव करना है 1 2 3 1, इधर अगर इधर से आएंगे तो 3 मिल रहा है पहले, तो इधर से आना पड़ेगा। अगर इधर 1 4 मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 को हम निगलेक्ट करेंगे। 1 2 3 हम मूव किया तो ये ऐसा आया हमारा, लेकिन 4 पोजीशन बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको करेंगे आर, इसको कन्वर्ट कर देंगे आर में, तो ये वाला होगा हमारा इसमें आर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका देखते हैं, इस वाले कार्बन का, इधर सल्फर, इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन और इधर कार्बन, तो इसको नंबरिंग आएगी 1। हाँ अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आएगी, CH2OH को पूरा आप लिख लीजिए इस तरह से, ये 2H इधर में लिख दूँ, दोनों यहाँ से हटा दें बस। अब देखिए इसको 1 कर दिया, अब इस कार्बन से इस साइड आएंगे तो कार्बन और इस साइड आएंगे तो कार्बन, फिर जब इससे आगे साइड बढ़ेंगे तो इधर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और जब यहाँ तक हम पहुँचे थे ना, फिर अब जब इधर आएंगे तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है,
अब जब इधर की साइड बढ़ेंगे तो एक हाइड्रोजन है, और जब इधर की साइड बढ़ेंगे तो एक हाइड्रोजन है। अब एक साइड और बची हमारी, इधर जब बढ़ेंगे हाइड्रोजन और जब इससे इधर बढ़ेंगे तो इधर सल्फर, तो इसको नंबरिंग देंगे 2। एक बार फिर से देखिए, इधर हम मूव करें, हमने यहाँ से यहाँ तक मूव किया कार्बन मिला, फिर यहाँ से यहाँ तक मूव किया हम यहाँ पर कार्बन मिला, फिर हम यहाँ से यहाँ तक मूव किया ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फिर हम यहाँ से यहाँ तक मूव किया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला, फिर जब हम यहाँ से यहाँ मूव किए तो हाइड्रोजन मिला, और यहाँ से यहाँ तक मूव किए तो हाइड्रोजन मिला। अब इससे, अब जब ये वाला कार्बन है, इससे हम यहाँ मूव करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर फिर सल्फर मिल रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और सल्फर में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? सल्फर का। तो इसका नंबरिंग करेंगे हम 2, और इसकी हो जाएगी 3, और इसकी हो जाएगी 4। 1 2 3 मूव करिए, 1 2 3, फोर्थ पोजीशन प्रॉपर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चलते हैं नंबर क्वेश्चन अपना क्या कहता है। इसमें सबसे पहले कार्बन ढूंढिए, कैरल कार्बन, ये वाला CH3 अब हम लगा लें, ना दिया हो तो CH3 धीरे से लगा लो, और इधर ये दोनों का मतलब है CH3। ये वाला कार्बन कैरल है ना, ये वाला CH3 अलग, इधर C आएंगे, C डबल बॉन्ड O अलग, इधर CH2 यानी कि अलग, और यहाँ पर आएंगे C, उससे लगो CH3, फिर CH3 यानी कि अलग, तो ये वाला कार्बन हमारा कैरल। अब इसमें नंबरिंग किसको करेंगे? 1, इधर आएंगे कार्बन मिलेगा, इधर आएंगे कार्बन मिलेगा, लेकिन इस कार्बन से लगा हुआ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन का मतलब आप समझ चुके हैं, तो इसको नंबरिंग करेंगे 1। अब 2 किसको जाएगी? हाँ, यहाँ पर आएंगे आप अगर 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर आएंगे 1 कार्बन और यहाँ पर लगा हुआ 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन, यानी कि इन दोनों में इसकी नंबरिंग तो ज़्यादा होगी, लेकिन अभी एक ऊपर एक और बचा है ना। अब यहाँ पर आएंगे, ऊपर जाएंगे तो एक कार्बन, फिर वो कार्बन किसी भी हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, यानी कि इसका नंबरिंग जाएगी इस वाले की 2, फिर इसके बाद इसकी जाएगी 3, और इसकी हो जाएगी 4। अब मूव करिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एस की हमने मूव किया, एस आया, लेकिन फोर्थ पोजीशन हमारी प्रॉपर पोजीशन है क्या? नहीं, हमारी ऊपर की साइड है, यानी होनी चाहिए हमारी वहाँ पर डैश पर होनी चाहिए थी, इसलिए हम इसको कर देंगे कन्वर्ट। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये वाला हमारा कार्बन कैरल, इसको नंबरिंग करेंगे 1, फिर इसके बाद हाँ इस साइड आएंगे कार्बन, इसको तो आप भूल जाइए, CH3 है, ये तो लास्ट होगा, और ये वाला आएंगे कार्बन, और इससे लगा हुआ 2H है, इधर भी 2H है, और वहाँ पर 3H है, तो इसको नंबरिंग कर देंगे हम 4 पहले, क्योंकि वहाँ पर एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 2-2 हाइड्रोजन है और एक तीसरा कार्बन है, तो वो 4th हो जाएगी। अब यहाँ तक तो कैंसिल हो गया, अब और आगे साइड बढ़ेंगे हम, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, और इससे लगा हुआ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ डबल बाउंड से ऑक्सीजन, बस यहीं पर क्लियर हो जाएगा हमारा, इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था और यहाँ पर 2 बाउंड से ऑक्सीजन, 2 बाउंड का ऑक्सीजन का मतलब है ये, 2 बाउंड के ऑक्सीजन का मतलब है ये, तो यानी कि आपने नंबरिंग 1 2, तो 1, तो फिर इसको जाएगी 2। आप अभी बताता हूँ, इसको नंबरिंग करेंगे 2, इसको तो करेंगे 3, ये हो गया। 1 2 3 मूव करेंगे, फोर्थ पोजीशन पर अपर है, इसका नाम अंग्लेचर होगा R। क्या बताने वाला था कि यहाँ तक हम तो पहुँच चुके हैं, यहाँ तक तो नंबरिंग हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? आप नंबरिंग यहाँ भी कर सकते हैं, 1 2 और यहाँ पर 3, तो आपको मूव करना होगा यहाँ से 1 2 3 1 2 3, हमारा जाएगा R क्लॉकवाइज, तो हमारा हो जाएगा R, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर करता हूँ इस बॉन्ड पर, ताकि हम मुझे रोटेशन यहाँ पर करने में आसानी हो, बस यही दिखाना था। अब कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं जो इससे थोड़े से अलग हैं, तो देखते हैं अब कुछ और एग्जांपल हम। तो ये हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें सबसे पहले कैरल कार्बन ढूंढेंगे हम, यहाँ पर ये हमारा कैरल कार्बन, तो इससे नंबरिंग करेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन वाले को 1, इसको करेंगे 2, फिर इसको करेंगे
थ्री ये वाला, फोर्थ ये वाला, वन टू थ्री, वन टू थ्री हमारा एस है, फोर्थ पोजीशन बराबर नहीं है, ये आर जा रहा है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा एस। अब मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग नंबरिंग करना सीख चुके होंगे, आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। हाँ तो इसको आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो ये वाला देखें अगर, तो इसमें ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला वन, ये वाला टू, ये वाला थ्री, ये वाला फोर, वन टू वन हमारा यहाँ है ना, तो वन टू थ्री, वन टू थ्री हमारा ऐसे जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एस। उसी तरह से इसको भी आप कर सकते हैं, इसका करेंगे वन, इसका करेंगे टू, इधर करेंगे थ्री, इधर करेंगे फोर, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ये हो जाएगा हमारा आर। और ये वाला कार्बन कायरल है क्या, इधर देखेंगे अगर एच, नहीं तो इधर दोनों सेम है, तो ये वाला यहाँ पर ओ एच है, और यहाँ पर भी अगर कुछ ना दिया हो तो यहाँ पर अब डॉटेड डॉटेड करके यहाँ पर एच बना लेंगे, जैसे इसका नॉमेनक्लेचर करें वैसे इसका करेंगे, हो जाएगा। और ये हमारा है मेसो कंपाउंड, क्योंकि मेसो कंपाउंड क्या होता है हमारा, हम यहाँ बीच से अगर कोई प्लेन डालते हैं उसमें दो कायरल सेंटर होनी चाहिए, और कोई प्लेन डालो तो वो दोनों आपस में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं मेसो कंपाउंड। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसका आप कर सकते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है हमारा इम्पॉर्टेंट। हाँ ये वाला कार्बन हमारा कायरल, इसमें हम नंबरिंग करेंगे, इसको करेंगे वन। हाँ तो अब इससे इधर आते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेंगे आप, फिर इसके बाद मैं इधर बढ़ता हूँ तो इधर कार्बन, फिर इस साइड बढ़ता हूँ तो इधर भी कार्बन, फिर उसके आगे बढ़ा मतलब इधर कार्बन है और सी एच टू, दोनों भी दोनों साइड सेम है, तो इससे नहीं हो पाएगा, तब हम आगे साइड बढ़ेंगे, इधर आएंगे इधर कार्बन, इससे इधर आएंगे इधर भी कार्बन। अब इधर डबल बॉन्ड है और इधर सिंगल बॉन्ड है, तो यानी इधर आएंगे तो इधर एक कार्बन और इधर आएंगे एक कार्बन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड से दो कार्बन और यहाँ पर डबल बॉन्ड से एक कार्बन। तो अब यह जो मैंने बताया है अब काम आएगा ये यहाँ पर। अब जब मैं इसको पूरा अगर खोल कर आप लिखेंगे इस तरह से, ये वाला है एक बॉन्ड, आप यहाँ से हटाएंगे एक बॉन्ड, इन दोनों के बीच काटा रहे हैं तो एक बॉन्ड आप यहाँ पर लगाएंगे और एक बॉन्ड यहाँ पर लगाएंगे, तो ये बॉन्ड जुड़ा था कार्बन से, तो यहाँ पर एक और कार्बन और एक कार्बन, यहाँ पर एक और लगाएंगे, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कार्बन था और यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन और इधर तीन कार्बन हो गए, इधर एक कार्बन दो कार्बन था, तो आप इसको नंबरिंग हायर करेंगे, इधर वन हो गया और इधर वाला टू और इधर वाला थ्री और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। कहने का मतलब है आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यहाँ पर अब आ गया है यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर आया दो सिंगल बॉन्ड से कार्बन और यहाँ पर डबल बॉन्ड से एक कार्बन, तो जहाँ पर डबल बॉन्ड है इसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसको हम नंबरिंग पहले करते हैं, इसको हम टू करेंगे, फिर उसके बाद थ्री, इसका करेंगे फोर, तो इसको हम मूव करेंगे वन टू थ्री फोर, तो ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉक वाइज होगा इसके लिए हमारा एस, और फोर जो प्रॉपर पोजिशन है। और इस तरह के रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मुझे और मिला नहीं ना, मैं और करवाता। चलिए अब इसको करते हैं, ये वाला हमारा कार्बन कायरल, ये वाला कायरल कार्बन, इसको करेंगे वन, फिर ये वाला टू, ये वाला थ्री, ये वाला फोर, वन टू थ्री, फोर्थ प्रॉपर है यानी कि डैश वाले पर है ना, ये हमारा फ्लाइंग वेज में हम देखेंगे ये डॉटेड वाले पर है, और फिशर वाले में देखेंगे कि ये टॉप पर या फिर बॉटम पर है, ये जाएगा क्लॉक वाइज, इसे कहेंगे आर। अब ये वाला भी हमारा कायरल है, इसको करेंगे वन, ये हो जाएगा टू, ये वाला थ्री, ये वाला फोर, ये वाला वन था और ये वाला टू था, वन टू थ्री, वन टू, वन टू पहले हम जाएंगे फिर उसके बाद थ्री तक आएंगे, ये हो गया हमारा क्लॉक वाइज, लेकिन ये फोर्थ पोजिशन जो वो ये वेज वाले थे, डैश वाले पर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा आर था, तो हो जाएगा ये एस। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना हो मतलब एक दूसरे को इंटरचेंज करके देखना हो तो इसमें कैसे करते हैं इंटरचेंज, इसमें कुछ ऐसे करेंगे, ये ऊपर वाला जो इसको हम इस तरह से फिक्स करेंगे, फिर ये वाला हाइड्रोजन इसकी जगह और ये वाला इसकी जगह और ये पीछे से इसकी जगह, कहने का मतलब ये ऊपर वाला यहाँ पर एच, इधर ओ एच और इधर सी एच थ्री, ये तो अपना फिक्स रहेगा, और इसके बाद क्या होगा, इधर कार्बन,
बांड पहले जैसे बांड है उसको बांड पहले वैसे ही बना लेंगे हम, फिर उसके बाद हम सिर्फ एटम को मूव कराएंगे। हाइड्रोजन आया यहाँ पर, CH3 यहाँ पर आया, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, और ये OH पीछे से गया इस पर। अब इसको आप नंबरिंग फिर से कर लेंगे, इसका करेंगे 1, इसका करेंगे 2, इसका करेंगे 3, इसका करेंगे 4, तो 1, 2, 3 ये हमारा हो जाएगा S। यहाँ पर क्या हुआ था, हमारा R आया था तो S किए थे, तो ये दोनों अब सेम हो गए ना। तो इस तरह से हम इसको रोटेट करके करेंगे। अब करते हैं इसको, इसमें भी ये कार्बन कायरल है, ये वाला भी कार्बन कायरल है, आप देख सकते हैं सब डिफरेंट है। ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला होगा 2, ये वाला 3 और ये वाला 4, 1, 2, 3 ये हो गया एंटीक्लॉकवाइज, इसे हम कहते हैं S, लेकिन फोर्थ पोजीशन टॉप पर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा R। अगला देखते हैं, ये वाला कार्बन, ये हो जाएगा हमारा 1 और ये वाला हो जाएगा 2, ये वाला 1, ये वाला 2 और ये 3 और ये वाला 4, 1, 2, 1, 2, 3 तो हमें इस तरह से जाना होगा ना, पहले 1, 2 जाना है, 1, 2 इधर जाएंगे, 1, 2 इधर जाएंगे, 3। ये क्लॉक वाइज आया लेकिन R आया, लेकिन ये प्रॉपर पोजीशन नहीं है, तो S। हाँ, अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, बट ये फिशर प्रोजेक्शन में है और ये वाला फ्लैंक प्रोजेक्शन में है। इन दोनों को कैसे इंटरचेंज करते हैं इसके लिए, इसको हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, फिशर से हम कैसे फ्लैंक बनाते हैं, फ्लैंक से कैसे फिशर बनाएंगे, फिशर से सहार, सहार से फिशर, फिशर से न्यूमान, न्यूमान से फिशर कैसे बनाएंगे, इसको हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि देखिए ऊपर वाले में क्या आया था, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हमारा R, इसमें भी आया हमारा R, और इसमें आया था S, और इसमें भी क्या आया हमारा नीचे वाले में S, दोनों सेम है बट ये फिशर में है, ये फ्लाइंग में है। अब एक हमारा एक और क्वेश्चन बचता है, ये वाला, ये क्या होगा यह बताएंगे मुझे कमेंट करके, क्या होगा देखिए। पहले सबसे पहले हमें कार्बन क्या चाहिए, कायरल। तो क्या ये कार्बन कायरल है, इधर OH और इधर भी OH, ये कार्बन कायरल नहीं है तो इसका RS नामकलेचर भी ना करेगा। बस हो गया, RS नामकलेचर अब यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्या बात करेंगे मैंने बता दिया। अब आप लोग RS नामकलेचर पर और भी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कहाँ से मैं बताता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी एनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर एंड मेसो कंपाउंड, उसमें जितना भी मैंने कराया है एनेंशियोमर का एग्जांपल और डाइस्टीरियोमर का, उसमें आप जाएंगे तो इस तरह का आपको कुछ मिलेगा। अगर इसका मिरर इमेज बनाएंगे वो एक दूसरे का एनेंशियोमर होगा या फिर डाइस्टीरियोमर होगा, आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो इस तरह से आपको जितना भी एग्जांपल मिलेगा आप उसको इस तरह से करके RS नामकलेचर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।